सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और बेहतरीन किस्म का मुरा पशुधन दिखाने का प्रयास और उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है, काफी सोशल मीडिया के काफी एक्टिव चेहरे हम भाई भीम के डेयरी फार्म से लेके आ रहे हैं और यहाँ से हमने जितनी भी कवरेज की है हर पशु में क्वालिटी बेजोड़ देखने को मिलती है और जो क्वालिटी के साथ साथ जो रेट है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में काफी जो स्पेशल जो स्क्रीन पर जो आप जोटी देख पा रहे हैं काफी शानदार क्वालिटी में और जो मिल्क लाइन में जो आप सर देख पा रहे हैं, इनसे हम डिटेल्स लेंगे। भीम भाई के फादर साहब हैं और काफी युवा पशुपालक भाई भीम, अच्छा से अच्छा जो कि सिलेक्शन करके आप लोगों के साथ जो कि वीडियो वो साझा करवाते हैं और आज फिर एक अच्छी जोटी हम लेके आप लोगों के साथ आए हैं, इसके हम जो कि डिटेल्स आप लोगों को बताएं। लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस है वो जरूर बताना चाहूँगा, गांव नंगल जमालपुर, जिला लगता है रेवाड़ी और तहसील रेवाड़ी लगती है। तो चलिए चलते हैं अंकल जिसे इस जोटी की जो स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं इसकी डिटेल्स है वो लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? ठीक है भाई। आज वीडियो में एक ही जोटी दिखाएंगे। हाँ, एक ही दिखाएंगे। तो बताएं कौन से लैक्टेशन में है? या दूसरा से। दूसरे लैक्टेशन में है। तो प्रेजेंट में कितने दिन की ब्याई हुई है? या कल परसों की ब्याई है। अच्छा, परसों की ब्याई हुई है। ठीक है, तो इसके साथ में क्या मेल है या फीमेल है? मेल काफ आप इसके नीचे है। तो पहले लैक्टेशन में क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड रहा है? इसने दिया है 17 किलो दूध। अच्छा, 17 किलो दूध पहले ब्यात में दिया हुआ है। सत्रह किलो दूध पहले ब्यात में दिया हुआ है। काफी मैं बताना चाहूंगा पहले ब्यात में जो इतने अच्छे खासे जो रिकॉर्ड की जो जोटियां हैं, दूसरे ब्यात में हम इससे जो कि अच्छे खासे दूध की उम्मीद कर सकते हैं। आज लगभग हम जो कि ये कवरेज लगभग ये 12 बजे के समथिंग जो कि कवर है वो कर रहे हैं और आपको मैं कवर करके दिखाना चाहूंगा। अभी फिलहाल खीस में है ना जी? हाँ, खीस में। खीस में है अभी से। काट दिया। अच्छा, थोड़ा बहुत खीस निकाल लिया। हाँ, खीस खीस है वो निकाला हुआ है कुछ और अभी से जो खीस निकालने के बावजूद जो अडर में जो जोश है वो काफी शानदार और काफी साफ सुथरा अडर आप यहाँ पे देख पा रहे। अडर में किसी प्रकार का अनबैलेंस नहीं, मुठिया आकार के थनों में जो स्पेस है वो भी काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिला और अडर क्वालिटी आप इसमें देख पा रहे हैं। नाभि से लेके जो पीछे जो टैल है वहां तक का आप अडर यहाँ पे देख पा रहे हैं। और बात करें इसकी जोटी की जो क्वालिटी है, दूसरे ब्यात में हम इससे अच्छे खासे दूध की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट लैक्टेशन में बता रहे हैं कि 17 किलो दूध है वो दिया हुआ है। ये देख सकते हैं जो पीठ की क्वालिटी, सिंगल हड्डी और पतली चामी आप इसमें देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं पीठ पुट्ठी की काफी चौड़ी है और हाइट में आपको जरूर बताना चाहूंगा, नॉर्मल हाइट लाइन का पशुधन है लेकिन क्वालिटी के बावजूद अगर हम इसकी क्वालिटी देखें तो काफी बेहतरीन है। और इसकी जो फेस की क्वालिटी मैं आपको कवर करके जरूर दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं फेस की क्वालिटी, बिल्कुल छोटा सींग और कन्नेदार सींग आप इसमें देख पा रहे हैं। इसको एक बार चला के दिखाएं जो इसका व्यक्तित्व है, मैं जरूर पशुपालक भाइयों से दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं जो एक पशु अपने स्पेशली अपने घर पर रखता है वो शौकीन जोटी रखना जरूर पसंद करता है। अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना भी चाहते हैं तो रेगुलर रूटीन से सर का जो कि स्क्रीन पर भी नंबर है वो चल रहा है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी हमें यहाँ पे देखने को मिली। ये देख सकते हैं उधर उधर लिख चलो, ये देख सकते हो इसका व्यक्तित्व, लंबी नाड़ और बात करें टैल बिल्कुल जेड ब्लैक, किसी प्रकार का व्हाइट बाल हमें इसमें नहीं देखने को मिला। ये देख सकते हैं, ले चलो विक्टर, ये देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा अडर और अब की बार अच्छे खासे दूध की उम्मीद है हम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जो इसका व्यक्तित्व नई आई हुई है और नई आने के बावजूद जो शांत स्वभाव काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिला
और साथ में जो मेल कफ आप इसमें देख पा रहे हैं, मेल कफ भी काफ़ी अच्छा है, ब्रीडिंग पर्पज के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इससे आने वाले टाइम में हम ब्रीडिंग करके अच्छी अच्छी कटड़ियाँ तैयार करके एक रिकॉर्डेड जो बच्चे हैं वो तैयार कर सकते हैं। टैल मेल कफ के कुछ ही बाल वाइट है, बाकी के ब्लैक हैं, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। तो हम अंकल जी से पूछना चाहेंगे क्या कुछ इसका रेट है वो रहा है। आप इधर आ जाए, छोड़ दो बच्चे को, वहीं छोड़ दो, जोटे को इधर कर दो आप, जोटे को इधर। हाँ बस बताइए इसका क्या कुछ रेट रहेगा जी। डेढ़ लाख रुपए है, डेढ़ लाख रुपए इसकी जो कि कॉस्ट है वो रखी है। और जिस हिसाब से क्वालिटी है, मैं रेट के बारे में जरूर बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से क्वालिटी है और आज के टाइम में जो बनावट है, जो शरीर की जो कद काठी है उसको देखते हुए जो रेट है वो काफी अच्छा है। कुछ मौके पर हो जाएगा या फिर फिक्स है जी? फिक्स है तो इसका। अच्छा, रेट ये फिक्स ही है। हाँ। कुछ मौके पर अगर कोई आ भी जाता दूर से आएगा तो उसके लिए कुछ इसका ये 160 लग लिया था, इनका मतलब हवा कम है ना। हाँ हाँ, तो मैं पशुपालक भाइयों से बताना चाहूंगा, सर का कहना है कि जो पिछली बार जो इसका जो रेट था, जो फर्स्ट टाइम में थी जब इसका 1,60,000 रुपए जो इसकी कॉस्ट है वो लगी थी, लेकिन आज ये सर के पास और इसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए दूसरे ब्यात में है, हम इससे अच्छे खासे दूध की उम्मीद कर सकते हैं। और फिलहाल जो जोटियां हैं सर्दी के कारण से काफ़ी कम दूध निकाल पा रही हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डेड जो बड़ी बड़ी जो रिकॉर्डेड भैंसे हैं वो भी अभी से फिलहाल जो कि दूध है वो रिकॉर्ड नहीं करवा रही, क्योंकि सर्दी का कारण है। सर्दी को जरूर मानता है क्योंकि पशु एक जगह ही बंधा रहता है, जुगाड़ी करने में काफ़ी लंबा टाइम लेता है, तो इसी कारणवश जो कि भैंसे हैं वो दूध रिकॉर्ड नहीं करा सकती। तो अंकल जी आपके हिसाब से कितने दूध से उठ सकती है? दूध देगी मेरे ख्याल में 20-22 किलो दूध देती है। 20-22 किलो नहीं, अभी अगर आप इसका खीस निकाल रहे हैं तो कितने किलो खीस से उठेगी? 10 किलो से, 12 किलो से, 13 किलो। अच्छा, 13 किलो की खीस से सर बता रहे हैं कि 13 किलो खीस से, जिस हिसाब से जो नीचे की जो चुवाई है वो काफी अच्छी है, नीचे की सॉफ्ट चुवाई ना जी। काफी अच्छी चुवाई है, बहुत मोटी चुवाई है। तो नीचे से आपको जरूर कवर करके दिखाना चाहूंगा। अडर में जो नसें आप इसमें देख पा रहे हैं, जो एक साफ साफ दुधारू पशुधन को प्रमाणित है वो करती है, फुर अडर आप इसमें देख पा रहे हैं। और जो शान सभा वो काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिला, और कॉस्ट 1.5 लाख रुपए रखी है। कोई भी पशुपालक किसी भी प्रकार की डिटेल्स वो लेना चाहते हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करें कि आपको हमारी ये वीडियो है जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार।